नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने, और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं एनवायरमेंट की इस छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो में मैं एनवायरमेंट के एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक लूंगा, और वो है डर्बन समिट COP 17, जो कि सन 2011 में हुआ। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसका गठन 1994 में हुआ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए और विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इफेक्ट हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए और पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाए 21वीं शताब्दी में, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 1994 में UNFCCC का गठन हुआ था। और 1995 से जो इसके सदस्य देश है वो अपनी एक बैठक करते हैं, उस बैठक को बोला जाता है COP, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, और हर साल बैठक होती है, जिसकी 17वीं बैठक हुई थी दक्षिण अफ्रीका के शहर डर्बन में। और इस समिट में भारत ने बहुत जोरदार कोशिश की और भारत के मेहनत का नतीजा था कि कुछ अहम मुद्दों पे एक आम राय बनी, और जिसकी वजह से 4 साल के बाद सन 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील का ऐतिहासिक ढांचा तैयार हुआ। तो देखिए, डर्बन समिट जो हुआ था वो दिसंबर 2011 में डर्बन में हुआ। इसमें करीब 193 देशों ने हिस्सा लिया था, और इसमें भारत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत चाइना जो बेसिक नेशन जिसको कहा जाता था BASIC, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इन लोगों ने खास भूमिका निभाई थी, जिसमें भारत ने दो बड़ी डिमांड रखी थी। पहली डिमांड रखी थी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फ्यूचर टॉक्स में लाया जाए, मतलब बराबरी, सबके ऊपर बराबर की जिम्मेदारियां डाली जाए, इस तरह की जिम्मेदारियां डाली जाए कि ऐसा ना लगे कि कोई विशेष देश को दबाया जा रहा है। जैसे कि भारत और चाइना अपने आप को लगातार कहते हैं कि इन डील्स में इनको विक्टिम बनाया जाता है और इनके ऊपर अंडियू प्रेशर ज्यादा डाला जाता है और देशों के मुकाबले, है ना। तो जैसे दूसरे देशों की जितनी लायबिलिटी बनती है उसके मुकाबले में ही इनकी लायबिलिटी बनाई जाए, तो जब भी आगे फ्यूचर टॉक्स हो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का ध्यान रखा जाए। उसके बाद दूसरा क्या है कि 2020 तक कोई एक ग्लोबल डील लॉन्च की जाए, और इसके लिए 2015 तक कोई एक बड़ा समझौता किया जाए, ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इसमें अचीव क्या हुआ? इसमें ये अचीव हुआ कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल को सुरक्षित किया गया, और इसके लिए कहा गया कि सन 2015 तक कोई एक ऐसी ऑब्लिगेटरी या बाइंडिंग, मतलब कानूनी रूप से बिल्कुल वैध ऐसी ट्रीटी की जाएगी जिससे कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य था? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को निचले स्तर तक लाना है, शून्य के स्तर तक लाना है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री से नीचे रह सके और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री तक, 1.5 डिग्री तक रोका जा सके। एक तो इस पे बात हुई, और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि इससे पिछले वाले सीओपी में COP 16 में जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई थी उसने कार्य करना शुरू कर दिया। $100 बिलियन का ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि विकासशील देशों को दिया जाता था, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने में जो कार्य करते थे उसमें ये पैसा लगाया जाना था। तो ये 2-3 काम हुए डर्बन COP 17 से, जो कि 2011 में हुआ था, और इसमें इंडिया की भूमिका को काफी अप्रिशिएट किया गया, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी समिट का नतीजा था कि पेरिस जो क्लाइमेट डील थी COP 21, जो कि नेक्स्ट वीडियो है, उसमें एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, और बाकी जो चीजें हैं क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा फेज है वो लागू करने की बात इसमें कही गई। क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा चरण था वो 2012 से लेकर 2017 तक था, इसीलिए ये सीओपी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सीओपी का मतलब UNFCCC की बैठकें, समझ गए आप लोग। तो डर्बन समिट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कब हुआ था, इंडिया ने क्या 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 डिस्कशन किया, क्या क्या चीजें लॉन्च हुई, क्या क्या काम हुए, और 2015 की जो क्लाइमेट डील थी वो किस समिट की देन थी, इसी समिट की देन थी। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।